हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम दुराना जिठानी निकल चुके थे शॉपिंग करने के लिए। तो शॉपिंग के एक्चुअली हम किसी किसी काम से निकले थे। तो आज वेनसडे था, तो मुझे याद है कि लखनऊ की जो सबसे सस्ती बाजार होती है यानी बुद्ध बाजार निशादगंज में लगती है, कितने तो कितने वहीं हम लोग है गए थे। तो आइए इस पूरी वीडियो में आपको दिखाते हैं वहाँ क्या क्या मिलता है और किस किस रेट में मिलता है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। हर चीज़ के आपको प्राइस मैंने अपनी वीडियो में मेंशन कर दिए हैं और कोशिश करिए कि हर चीज़ आपको उसमें मैं दिखा सकूँ। वहाँ पर कर्टन्स और जो हमारा फैब्रिक मिलता है जैसे कुर्ती साड़ी के लिए, ये इसके लिए वहाँ स्पेशल है, स्पेशल मार्केट है। बाकी वहाँ हर चीज़ आपको मिल जाती है बहुत ही रिजनेबल रेट में। तो मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत चीपेस्ट प्राइस में कैसे मिलती लिए? है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और मैंने हर चीज़ आपको उसमें मेंशन करी है। इसमें 100-150 रुपये, 80 रुपये की ये जो गुड्डे टाइप के रखे थे, मतलब जो ढोलक वोलक बजा रहे थे, ये हर चीज़ रेट में था। सुंदर लग रहा, लेकिन लग बहुत प्यारा रखा। तो ये हम लोगों का जो तनिष्क शोरूम है उसके सामने जस्ट अपोजिट साइड पे लगा हुआ था। फिर ये आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये बच्चों के कपड़े, गर्मियों और पूरा गर्मियों का ही कलेक्शन था। विंटर कलेक्शन हट चुका था, एक आध चीज़ें भले लगी हों तो लगी हों, बाकी सब ही सब समा कलेक्शन था। और ये 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये में सारा आइटम लगा हुआ था, जैसे नाइफ है और ये बाकी छोटी छोटी चीज़ें घरेलू जो आपके उपयोग में आती हैं वो सारी चीज़ें थी। और ये जो स्कर्ट्स थी ये थोड़ा सा एक पार्टी वेयर लुक, जैसे आप किसी आपके क्यों घर में कोई भैया फैमिली ये फंक्शन हो, हल्दी कोई मेहंदी, भी इस चीज़ के लिए अगर आप यार कुछ अपना डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छी लग रही थी, छोटे मोटे फंक्शन के लिए। और रेट तो आप जान ही चुके होंगे, इसमें मैंने मेंशन कर रखा है, रेट तो बहुत ही सस्ता था। तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि ये बुद्ध बाजार बहुत ही सस्ती बाजार है। ये वेनसडे को लगती है, निशादगंज गोल मार्केट के पास लगती हुई है। पूरी बाजार पूरी रोड पे चारों तरफ फैल जाती है और पूरी रोड पे ही ऐसे रोड स्ट्रीट साइड लगती है। वहाँ पे बैंगल्स लगे हुए थे और बैंगल्स काफ़ी अच्छे थे। और क्वालिटी की बात करें तो जो हमारा जो वहाँ फैब्रिक मिलता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का, मतलब आपको मतलब 50-100 रुपये मीटर से लेके आपको 1000-2000 तक मीटर तक का मिल जाता है। और बाकी घरेलू उपयोग की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो मार्केट बहुत बड़ी है, तो कोशिश करी है जितना ज़्यादा हो सके आपको इस वीडियो में दिखाने की। बाकी बाज़ार तो बहुत बड़ी, आप जब वहाँ, अगर आप लखनऊ से हैं, आई होप आप लोग जानते होंगे कौन कौन लखनऊ से है, कौन कौन इस बाज़ार में जा चुका है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये लड़कियों के टॉप लगे थे, ये डेनिम की जीन्स, बच्चों के कपड़े, स्कर्ट, ये मोजरियाँ, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपको सुई से लेके कुछ बड़ी से छोटी चीज़, बड़ी हर चीज़ आपको वहाँ मिलती है। और यहाँ पावदान वगैरह कैसे रोड दिए में, तो मतलब ये लगे हुए थे, बहुत बड़े अच्छे वाले, वो पीछे बहुत बड़े अच्छे वाले, थे, क्वालिटी भी अच्छी थी और रेट हाँ ये भी वाले। अच्छा था। बट अब यहाँ पर अरे हाँ, बाप एक रे, चीज़ मैं तो खड़ा आपको होना बता पड़ा दूँ, है। बार्गेनिंग बहुत होती है, पांच आप सौ के जितना दो ज़्यादा हो सके बार्गेनिंग आप कर सकते हो, तो आपकी बार्गेनिंग स्किल पर डिपेंड करता है। तो ये 500 के 2 देंगे, बट बड़े और ये मतलब वाले उनका साइज़ बड़ा था और छोटे वाले 300 के 2 थे, तो मतलब इस तरीके के रेट में लगे हुए थे। तो फिर हम लोग घुसते हैं अंदर गली की तरफ, जहाँ कॉटन की साड़ियाँ लगी हुई थी 200-200 रुपये में। और साड़ियाँ आप 200 रुपये में, आप समझ सकते हो क्या मतलब लोगे 200 रुपये में इतनी महंगाई में, बट ठीक है। अब मैं क्या कहूँ, अगर आप लोग मतलब इस तरीके का पहनते हैं तो ले सकते हैं, बट मुझे तो नहीं सही लगा, तो मैंने तो फिलहाल सब चीज़ें नहीं ली हैं। बट हाँ, घरेलू जो चीज़ें होती हैं जो हमारे डेली यूज़ में आती हैं। और इसी भैया ये तरीके से हम साड़ी कैसी थी मार्केट के कॉटन अंदर की? होते हैं, अंदर कॉटन की क्यों साड़ियाँ लगी भैया हुई थी। साड़ी और ये साड़ियाँ मुझे काफ़ी अच्छी, ब्लैक मतलब अच्छी लग प्रिंट रही विंट काफ़ी है, अच्छा लग रहा था, आप ले सकते हो घर में पहनने के लिए अगर आपको लेना। बट ये जो फैब्रिक मिलता है ना यहाँ पर, ये गाइस ये बहुत अच्छा मिलता है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है, नो डाउट। आप बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे ब्रांड के लोग, मतलब लोग ले जाते हैं, लहंगा बनवाते हैं, साड़ियाँ बनवाते हैं। यहाँ ब्लाउजेस लगे हुए थे, काफ़ी अच्छे थे। और आप जैसे आपको किसी का मैचिंग कराना हो फैब्रिक, और ये कर्टन्स लगे हुए थे, कर्टन्स बहुत अच्छे मिलते हैं। आप बात इसकी ये करें कि जो आपको बाहर मार्केट में जो 500-600 का मिलेगा वो यहाँ पे कम रेंज में ही मिलेगा, लेकिन क्वालिटी सेम होती है। और ये सूट वहाँ पे लगे, सूट की पूरा पीस था, हमें दुपट्टा सही थे, 400-500 के रेंज में थे। तो इसी तरीके की सारी मार्केट में सारी चीज़ें आपको ऐसी रेट में मिल जाएंगी, 150-200-400-500-1000 तक की आप हर चीज़ आपको हर रेट में है वहाँ पे, अकॉर्डिंग टू यू कि आपको कैसा लेना है। बट
हम मार्केट देख रहे थे, हमने कुछ लिया भी है दादा, कपड़े वपड़े तो खैर नहीं लिए, बट मैं सोचा चलो आई हूँ तो पूरी मार्केट विजिट कर लूँ आप लोगों के लिए, वहाँ क्या क्या कैसा क्या क्या मिलता है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने पूरी मार्केट देखी है और मतलब कोशिश करी है जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि मार्केट में भीड़ बहुत थी। और गाइस ये सिर्फ 1:30 बजे का टाइम था, 1 से 1:30 बजे के आसपास का टाइम है, तब इतनी भीड़ थी, शाम तक तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। और इस तरीके से करके हम लोग वन बाय वन करके भीड़ से घुसते हुए हम लोग अंदर चले गए। आगे बहुत सारी और भी शॉप थी, मतलब कपड़े और कपड़ों की, ये मुझे कपड़े काफ़ी अच्छे लग रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था, सूट कपड़े में ये बहुत ज़्यादा क्या है इनका रेट अच्छा लग रहा था, इसका रेट भी बहुत अच्छा था, पर जो उसकी क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, कपड़े की आई थिंक 500 के समथिंग था एबव। और इस तरीके से फिर हम लोग ने आगे कर्टन्स देखे, यहाँ कर्टन्स अच्छे थे 700, 800 और 200, मतलब हर तरीके के रेट में आपको कर्टन्स मिल जाए। और इसी तरीके से हालांकि हमें वहाँ कुछ पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि हम देख रहे थे कि क्या ले, कर्टन्स लेने का सोच रहे थे, बट कुछ अच्छे लग रहे थे लेकिन कलर इशू हो रहा था, बट चीज़ आपको सारी मिल जाएगी मेरे हिसाब से। मेरे ख्याल से मार्केट बहुत अच्छी इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है, और ये मतलब पूरी फुल लेडीज़ वाली मार्केट है, जो मतलब आप जाइए तो मज़ा आ जाए। और हाँ, जाइए तो एक बड़ा कैरी बैग ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि आप सोच के जाओ कि मुझे कुछ नहीं लेना लेना है, फिर भी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वहाँ बहुत सही मिल जाती है और आप ले लेते हो। जैसे कि एक क्लेजर, ये 10 रुपीज़ का था, बट गाइस इसकी क्वालिटी ऑसम थी, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी थी। पहले मैंने सोचा मैं 2 ले लूँ, फिर मैंने कहा एक ही लेते हैं, पता नहीं कैसा निकले। और ये शीट्स वगैरह थी 50-70 ऐसे स्टार्टिंग रेट था इसका, और फिर ऐसे कट पीस में पूरा पूरा थान का कपड़ा था सूट का, तो 700-800 रुपये में आपको पूरा सूट दे रहे थे, दुपट्टा सहित मतलब हर चीज़। और इस तरीके के और भी कपड़े थे, ये चुनियाँ थी, पूरी कलरफुल चुनियाँ थी, जैसे आपको मतलब नवरात्रि स्पेशल या किसी स्पेशल ओकेजन के लिए आपको स्पेशली हल्दी मेहंदी इन चीज़ों के लिए लेना हो तो बहुत अच्छा मैचिंग कर रहा था। ये देखिए सूट के पूरे पूरे थान लगे हुए थे। और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहे, भीड़ बहुत थी, बहुत भीड़ थी, मतलब वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने सब चीज़ें लेने की कोशिश करी है। और ये सारी मतलब यहाँ इस जो इस गली में मैं गई थी, इस गली में आपको सारा थान ये सब कट पीस ये सही सी चीज़ें मिलेंगी, और इसी सब चीज़ों का फैब्रिक मिलेगा। और फिर आप पीछे साइड जाएंगे तो आपको फ्लावर्स की ये मेकअप का सामान भी था यहाँ पर। मेरे ख्याल से मेकअप का सामान अच्छा था, कोई ख़राब नहीं था, बट आई होप आप लोग ऐसा यूज़ करते हो तो ठीक है, बट अगर नहीं आप ब्रांडी वाला यूज़ करते हो तो। लेकिन कुछ चीज़ें जो पैलेट थे, ये जो आई लैशेस इसके आई शेडो के और ब्लश के, तो ये सब चीज़ें ठीक था, ओके था, बहुत अच्छा। लेकिन हाँ, रेट कोई ज़्यादा नहीं था, 200-250 में ही आपको 300 में सब दे रहे थे, और बार्गेनिंग भी हो जाती है, और अच्छा सामान था, बहुत लोग ले भी रहे थे, बट मैं तो खैर ये यूज़ नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा मतलब मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, बट नहीं चीज़। और वहाँ पे ऐसा नहीं, इतनी भीड़ होती है, लोग इतना का सामान लेते हैं, और ख़ासकर लोग ये जो कपड़े लेने आते हैं, मेरे ख्याल से वेनसडे की मार्केट का ही मेन पर्पस ही ये रहता है, लोग यही सब चीज़ें लेते हैं। और ये सब चीज़ें खाने पीने की भी काफ़ी जगह जगह ठेले लगे थे, चने और नींबू पानी, क्योंकि धूप बहुत होती जब इस टाइम, इतनी तेज़ धूप हो रही थी, गर्मी लग रही थी और भीड़ भी काफ़ी थी। और ये एक ब्लैंकेट की मुझे शॉप मिली, मैंने उनसे पूछा भी तो 700-800, ये तो 350 का उन्होंने रेट बताया था, और आगे 700-800 के थे जो मतलब फुल लेंथ वाले थे, तो ये क्वालिटी अच्छी थी, ओके क्वालिटी थी, बट 700-800 वाले जो थे उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। और इस तरीके से हम लोग आगे और बढ़े हैं, बढ़ने के बाद फिर यही सारी शॉप आपको आगे मिलती है, आके बच्चों के कपड़े मिलेंगे। और गाइस ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कपड़ा, जो मतलब ये 250 रुपये पर मीटर था नेट का कपड़ा, और इसका लहंगा अगर या साड़ी आप कुछ बनवाते, स्पेशली लहंगा तो बहुत ही, क्योंकि इसका कलर बहुत प्यारा था, तो हल्दी मेहंदी के लिए, तो मतलब किसी का फंक्शन हो शादी का, तो ये बहुत अच्छा था। तो इसी तरीके से हम लोगों ने पूरी मतलब वीडियो में सामान वामान हम लोगों ने भी ले लिया। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम लोग मार्केट के दूसरी साइड आ गए थे, तो यहाँ पे सब ये बॉटल्स और ये प्लास्टिक का सामान और साड़ियाँ और एयरिंग्स, ये मतलब काफ़ी चीज़ें मिल रही थी, फूल वूल जो मतलब फ्लावर आपके घर में डेकोरेशन का होता है, तो मतलब हर चीज़, मतलब आपको किचन से लेके हर चीज़। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।